हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में मई 2022 में पूछे गए थे। तो मई 2023 सॉरी 23 में, तो मई 2023 में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के एग्जाम में, तो ये वही क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका था बिजनेस एथिक्स के ऊपर। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था कि जो एथिक्स का जो चैप्टर है आपका, जो लास्ट के पांच चैप्टर्स एथिक्स को कवर करते हैं, तो ये चार पांच चैप्टर्स और बहुत ईजी है। मतलब एक बार भी अगर आप लोग वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें एक्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। तो बहुत ईजी है और वो एथिक्स आप लोग जरूर करके चाहिए, क्योंकि 8 से 10 नंबर तक आसानी से आपको इस सिंपल से चैप्टर से मिल जाते हैं। इस बार भी आपका एग्जाम हुआ था तो 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एथिक्स वाले चैप्टर्स में से थे, एथिक्स के जो चार पाँच चैप्टर्स है लास्ट में, ठीक है? तो वो हमेशा पूछ लेते हैं। और टू हैंड्स के आप, आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। वहां भी मैंने एथिक्स के 70-80 क्वेश्चन को रखे, तो उनको भी अगर आप लोग कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा। तो एक क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस एथिक्स का मतलब, जैसे आप मान लीजिए कोई भी बिजनेस करते हैं, एक कोई छोटी सी दुकान है या कोई बहुत बड़ी बिजनेस इंटरप्राइज है, तो एक कॉमन चीज जो किसी पर्सन को सक्सेस बनाती है वो है एथिक्स। एक मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो क्या करता है कि उसका छोटा ही बिजनेस है लेकिन वो अपने कस्टमर के साथ ऑनेस्ट है, कुछ भी झूठ नहीं बोलता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, क्या करते हैं कि बस प्रोडक्ट को बेचना है, अब कस्टमर को पसंद आए ना उससे उनको कोई मतलब नहीं, उनको बस अपना प्रोडक्ट बिक जाना चाहिए, ठीक है? उनको बस सेल्स पे फोकस होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे कोई फोकस नहीं होता, ठीक है? तो इसका मतलब उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कोई मतलब नहीं, वो बस चाहते हमारा प्रोडक्ट बिक जाए और हमें जो है अच्छी सेल्स मिले, हमारे कंपनी का टर्नओवर अच्छा हो, ये वो चाहते हैं, ठीक है? इस चक्कर में वो प्रॉपर इथिकल प्रैक्टिसेस को भी नहीं फॉलो करते। अभी हम देखेंगे कि बिजनेस एथिक्स में क्या क्या आता है। तो प्रॉपर इथिकल चीज़ों को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से कुछ टाइम तो शायद उनकी सेल्स अच्छी है, क्योंकि कस्टमर्स को मान लीजिए उन्होंने बताया कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन कस्टमर ने जब उसको पर्सनली यूज़ किया उसको पसंद नहीं आया। क्योंकि कस्टमर को पसंद नहीं आया था, उसने अपने दोस्तों फ्रेंड्स से, जनरली होता क्या है कोई चीज़ अच्छी है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आता है अपने आप ही, ठीक है? कोई चीज़ खराब है तो वो लोग उसके बारे में बोलते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट तो खराब है, तो उसकी मार्केट में जो है इमेज खराब हो जाती है। खराब होने से क्या होता है कि लॉन्ग रन में वो बिजनेस डाउन चला जाएगा और वो फिर उस पर ताला लग जाएगा, ठीक है? ये बहुत जरूरी होता है कि आप कोई भी बिजनेस करें, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उसकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको बिजनेस एथिक्स फॉलो करना चाहिए। बिजनेस एथिक्स में क्या चीजें आती है? 5-6 चीजें हमारे बिजनेस एथिक्स का पार्ट होती है, जैसे डिग्निटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है। इसमें हम देखने वाले हैं कि बिजनेस एथिक्स एक्जैक्टली क्या होता है। सो बिजनेस इज पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड बिजनेस फॉर्म्स अफेक्ट एवरीडे ह्यूमन लाइफ। तो बोल रहे हैं कि बिजनेस जो है हमारी सोसाइटी का पार्ट होती है और हर ह्यूमन बींग की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट स्टेंड इट सेल्फ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ गुड एंड बैड, क्योंकि बिजनेस जो है सोसाइटी के साथ जुड़ा होता है। सोसाइटी लोग, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस किसी जंगल में, तो आपके प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा? मतलब जनता, सोसाइटी आपके बिजनेस से जुड़ी होते, क्योंकि जनता आपके बिजनेस से जुड़ी आपके प्रोडक्ट को वो खरीदती, इसीलिए आप भी है। तो वही बोल रहे हैं कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है खुद को वो अलग नहीं कर सकता, स्टेज मतलब अलग थलग कर लेना, तो वो खुद को जो है गुड और बैड के जो प्रिंसिपल है सोसाइटी में जो लागू होते हैं उससे वो खुद को अलग नहीं कर सकता। इथिक्स कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस के हर पहलू हर एस्पेक्ट को इथिक्स जो है कवर करता है एंड अप्लाइज टू ऑल डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी। ऑपरेशन मतलब जो आप चीजें बनाते हैं, जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं, तो जो भी आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटी होती है या जो भी आप डिसीजन लेते हैं, वहां पे आपका इथिक्स होना बहुत जरूरी। इथिक मतलब आपको लगना चाहिए कि हाँ ये चीज सही है तभी आप करें। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिससे आपको लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें प्लास्टिक का यूज है, या ये जो प्रोडक्ट है जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है, इस प्रोडक्ट में कुछ केमिकल है, तो इस तरह की चीजों से बिजनेस को बचना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को इम्पैक्ट करेगा, उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉलोइंग ड्यूबियस एंड अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस माइट टार्निश इट्स रेपुटेशन। तो कोई पर्सन अगर सही नहीं काम करेगा, अनएथिकल वे में बिजनेस करेगा, तो उससे उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। एंड एक्सपीरियंस फेलियर इन लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में वो डेफिनेटली जो है फेल हो जाएगा। सो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स मतलब क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, तो प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में मेंशन करना चाहिए हर बिजनेसमैन को। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आर यूनिवर्सल एंड एक्सप्रेस द हाईएस्ट लेवल ऑफ जनरलिटी ऑफ स्टैंडर्ड। तो मतलब जो भी स्टैंडर्ड आपको बिजनेस में फॉलो करने हैं वो जनरल होने चाहिए एंड एक्ट एज फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट। तो जो भी आपके एथिक्स है आपके फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट के तौर पे एक्ट करने चाहिए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अ फर्म मस्ट रिकॉग्नाइज बिजनेस एथिक्स एज अ टूल फॉर अटेनमेंट ऑफ रिजल्ट। तो कोई भी फर्म अपने आपको एक अच्छा रिजल्ट देखना चाहती है,
कि हमारी फर्म ग्रो करे तो उनके लिए जरूरी है कि उनको बिजनेस, उनके बिजनेस में उनको इथिक्स को रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बिजनेस इथिक्स विल लेड टू प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल बिजनेस। अगर आपकी बिजनेस इथिक्स बहुत अच्छी है, अगर आप सब चीजें ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ करते हैं, तो आपकी फर्म जो है सक्सेसफुल फर्म बन जाएगी। तो बिजनेस इथिक्स मतलब क्या वैल्यूज जो कि जरूरी है आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक रन करने के लिए, इथिकल क्या चीज सही है, उन्हीं सबको हम लोग बिजनेस इथिक्स बोलते हैं। इसी के आगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं बिजनेस एथिक्स के, तो कुछ हमारे बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल की हम बात करेंगे। पहला प्रिंसिपल है डिग्निटी। एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज टू ट्रीट अदर विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। तो कोई भी पर्सन है उसको आपको रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी होता है मान मर्यादा इज्जत, तो हर पर्सन को आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी रिगार्ड्स, चाहे वो किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का, आपको सभी के साथ इक्वल रिस्पेक्ट ट्रीट करना चाहिए सभी को। सेकेंड आता फेयरनेस। फेयरनेस इज अबाउट कंसर्न विद एक्शन प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर मॉरली राइट एंड ऑल। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए, ऑनरेबल होनी चाहिए और इक्विटेबल होनी चाहिए। फेयरनेस इस्टेब्लिश मोर स्टैंडर्ड फॉर डिसीजन अफेक्टिंग अदर्स, इट डज नॉट मीन दैट एवरीबडी गेट्स। तो फेयरनेस का मतलब ये नहीं कि जो हर कोई चाहता है उसको वो दिया जाए, ठीक है, हर कोई जो चाहता है, जो वॉन्ट कर रहा है हर पर्सन, उसको वो दिया जाए, बट एवरीबडी हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन इतना तो आपको करना चाहिए कि सभी को जो है इक्वल बेनिफिट दिए जाए। तो वही आपका फेयरनेस। फेयरनेस मतलब सभी को आपको इक्वली ट्रीट करना है, इक्विटेबल वे में, मॉरली राइट तरह से आपको ट्रीट करना चाहिए सबको। आप तो मतलब सभी जो चाहते हैं उनको तो आप खुश नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट सभी को जो है बेनिफिट की इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। अब मान लीजिए कोई प्रमोशन हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और आपका जो मैनेजर है उसकी किसी स्टाफ से अच्छी बातचीत होती है, तो दूसरा स्टाफ बहुत हार्डवर्किंग है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बातचीत नहीं करता, आपका मैनेजर जो हार्डवर्किंग है उसको प्रमोट ना करके, बल्कि वो जो स्टाफ जो उससे अच्छे से बात करता है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उससे वो बात करता है, उसको वो प्रमोट करता है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। आपको दोनों को इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए और जो पर्सन आपको लगता है कि हाँ ये डिजायर्ड पर्सन है उसी को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। किसा था ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब सच बोलो और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। इट इज लाइकली इट इज लार्जली लिंक टू इंडिविजुअल रेदर दैन सिचुएशंस। तो ये जो ऑनेस्टी है ये इंडिविजुअल पे जो है जुड़ी हुई है, ना कि सिचुएशन पे। इंटीग्रिटी इज लिंक टू ऑनेस्टी। ऑनेस्टी आपका इंटीग्रिटी एक ही है, और दैट इज बींग ऑनेस्ट इज जनरलाइज टू ऑल सिचुएशन, चाहे कोई भी सिचुएशन हो हर सिचुएशन में आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए। अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी डज नॉट वियर द हैट ऑफ ऑनेस्टी इन वन फॉरम एंड हैट ऑफ डिसऑनेस्टी। इंटीग्रिटी का मतलब हर जगह आपको एक जैसा रखना है, ऐसा नहीं कि कहीं पर आप ऑनेस्ट बनकर दिखा रहे हैं, कहीं पर आप डिसऑनेस्ट बन रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टी इन बिजनेस प्रैक्टिस रिवॉर्ड द बिजनेसेस एज इट बिल्ड फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विद एम्प्लॉय। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं तो ये आपके बिजनेस को ही रिवॉर्ड देगा। कैसे? इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उनमें ट्रस्ट आप बिल्ड कर रहे हैं, कस्टमर में ट्रस्ट बना रहे हैं, और जो भी आपके स्टेक होल्डर है सब में आप ट्रस्ट को जगा रहे हैं। तो ऑनेस्टी अगर आप करते हैं सभी के साथ तो ये आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके जाता है। तो ऑनेस्टी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमारे बिजनेस एथिक्स का। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा ओपननेस। इसमें बोला है द कंसेप्ट ऑफ ओपननेस इज दैट थिंग शुड बी एज दे आर सपोज टू बी एंड नॉट कंसील्ड। तो जो चीजें हैं जैसी होनी चाहिए वैसे आपको बताना है, कुछ छुपाना नहीं है। अब मान लीजिए आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी का शेयर बिकते हैं और आपने क्या किया कि कुछ चीज़ें सही बताई नहीं। मान लीजिए आपके कंपनी में कुछ आपको लॉस हुआ है लेकिन आपने उसको बताया नहीं, अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर नहीं किया, उनको बताया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ओपननेस का बिजनेस एथिक्स प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो यानी हमें कुछ भी अगर डील करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हमें अपने स्टेक होल्डर्स, कस्टमर, सबको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अब मान लीजिए आप अपने प्रोडक्ट में कुछ मिला रहे हैं, वो ऐसा कोई भी चीज़ है जो कि लोगों की हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, मान लीजिए आप कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ भी, तो आपको उसको इंग्रेडिएंट में मेंशन करना चाहिए, आप उसको छुपा नहीं सकते, आपको ओपननेस वाला बिजनेस एथिक्स प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेपुटेशन गुडविल। गुडविल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस चाहे प्रॉफिटेबल है या नहीं है, आपकी अगर गुडविल अच्छी है तो आपको डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करेगा। आपकी रेपुटेशन कैसी है, अब जैसे टाटा कंपनी का लोग नाम सुनते हैं तो एक अलग से रिस्पेक्ट, रेपुटेशन टाइप की आपको फीलिंग आती है। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू रिबिल्ड। अगर एक बार आपकी जो आपने गुडविल बनाई है अगर एक बार खराब हो गई तो उसको दोबारा बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। बिजनेस शुड वर्क ऑन बिल्डिंग गुड रेपुटेशन अलॉन्ग विद हाई मॉरल। तो वो जो स्टाफ है उनका मॉरल अच्छा बना रहे और जो बिजनेस है उसकी रेपुटेशन बनी रहे, तो इस बात पर बिजनेस को बहुत फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो जो रेपुटेशन है, गुडविल है, वो बना के रखनी चाहिए और इसकी भी वैल्यू है। भले ही आपको मतलब हम टच नहीं कर सकते आपके रेपुटेशन या गुडविल को, बट उसका एक बहुत बड़ा मॉनिटरी इंपैक्ट आपके सेल्स में देखने को मिलता है। अगर आपकी मार्केट में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है तो आप कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे ना, तो वो जो लोग हैं आपको उस नए प्रोडक्ट को भी पसंद करेंगे क्योंकि आपने पुराने प्रोडक्ट से इतनी अच्छी लोगों को सर्विस दी, इतना अच्छा अपना रेपुटेशन बनाया। नेक्स्ट आता है प्रूडेंस। प्रूडेंस का हिंदी में मतलब होता है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब हुआ इट इज द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू मेक राइट डिसीजन
विच इज गेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. अब आप जैसे कोई नया नया पर्सन है जिसने कोई नया बिजनेस शुरू किया, तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा उसको नॉलेज नहीं है, तो जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग में गलत डिसीजन भी ले सकता है. तो प्रोड्यूस मतलब बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस. तो एक बिजनेस की एबिलिटी की वो सही डिसीजन ले सके. और कोई भी पर्सन हमेशा सही डिसीजन कब ले पाएगा, जब उसको कुछ एक्सपीरियंस होगा, उसको कोई नॉलेज होगी. बिजनेस रिक्वायर्ड प्रोड्यूस टू एक्सरसाइज अ डिग्री ऑफ जजमेंट दैट मेक सिचुएशंस नो वर्स. बट तो अगर कोई पर्सन अगर प्रूडेंस के साथ काम कर रहा है बिजनेस में, ये प्रूडेंस का आपने इथिक्स यूज किया, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सिचुएशन है वो उसको आप खराब नहीं करोगे, बल्कि जो भी आपके सर्कमस्टांस है उस सर्कमस्टांस में भी आप अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करवाओगे, अगर आपके पास प्रूडेंस वाला प्रिंसिपल होगा. प्रूडेंस मतलब इंटेलिजेंस के साथ सही डिसीजन लेना. अगला आता है कंसर्न फॉर अदर. एवरी बिजनेस टेक बर्थ सर्वाइव एंड ग्रो विद द कंसेंट एंड कॉरपोरेशन ऑफ सोसाइटी. कोई भी बिजनेस चाहे वो शुरू होता है, सर्वाइव करता है, ग्रो करता है, वो सोसाइटी की वजह से ही होता है. बींग इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिजनेस जो है सोसाइटी का पार्ट है. इट मेक द बिजनेस मॉरली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सोसाइटी. आप जानते हैं ना सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो बैंक है अपना एक या दो सॉरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको 1 या 2% का प्रॉफिट जो है सोशल के लिए करना है, क्योंकि मार्केट में सोशली आप जुड़े हैं, लोगों की वजह से आपके बिजनेस को इतना फायदा हो रहा है, तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप उनके लिए कुछ करो. तो हर कंपनी अपने प्रॉफिट का 2% सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देती है, तो वो भी एक आपका बिजनेस का ही इथिक्स है. इट हैज़ टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इंटरनल ग्रुप एंड एक्सटर्नल. इंटरनल ग्रुप अपना स्टाफ, अपने खुद के स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे, और एक्सटर्नल मतलब सोसाइटी हो जाएगी. तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का, दोनों के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. इंटरनल को तो आप कैसे करते हैं, जैसे स्टेक होल्डर को उनको शेयर में रेट मिल गया, स्टाफ को आप सैलरी ये सब पे कर रहे हैं, कस्टमर्स को उनको आप अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं. तो एक्सटर्नल ग्रुप मतलब जो सोसाइटी, उनको आप किस तरह से मदद कर रहे हैं, उनको आप मदद कर रहे हैं एक जैसे आपने मान लीजिए कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई स्कूल्स बना रहे, तो इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके लिए बनती है. तो वही हो जाएगा हमारा कंसर्न फॉर अदर्स. तो यही सारे हमारे 7 प्रिंसिपल्स थे बिजनेस एथिक्स के. ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. डिग्निटी मतलब हमें सभी को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए. फेयरनेस मतलब हमें इक्वली इक्विटेबल के साथ, मॉरली राइट ऑनरेबल के साथ लोगों को ट्रीट करना चाहिए. ऑनेस्टी मतलब कुछ भी झूठ उठ नहीं बोलना, सही बातें आपको सच बातें लोगों को बतानी चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल था हमारा ओपननेस, मतलब जो लोग हैं उनको कुछ भी हाइड नहीं करना, उनको सही इन्फॉर्मेशन देनी है. रेपुटेशन और गुडविल भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपके बिजनेस एथिक्स का. अगर आपने अपनी रेपुटेशन अच्छी बनाई है तो लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी आगे तक जाएंगे. प्रोडक्ट मतलब सही डिसीजन सही टाइम पे ले पाना, इसका हिंदी में मतलब होता है बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस. और ये कैसे होगा, मतलब सही डिसीजन हम सही टाइम पे तब ले पाएंगे जब हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, हमें नॉलेज मिलेगी. कंसर्न फॉर अदर, बिजनेस जो है सोसाइटी का पार्ट होता है, तो सोसाइटी के लिए भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है. ठीक है, तो वही हो जाएगा हमारा कंसर्न फॉर अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक नंबर का, व्हाट इज डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी. ठीक है, तो डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी क्या था, ये एक नंबर का पूछा गया था. द टर्म डिजिटल करेंसी या इसको आप लोग डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, तो इतने सारे नाम है आपकी डिजिटल करेंसी के. ये क्या होता है, जैसे नॉर्मल आपकी करेंसी होती है, करेंसी मतलब पैसा, वो क्या तो नोट होगा 500 का, 100 का. ठीक है, मैक्सिमम अभी तो 500 का सबसे बड़ा नोट, अभी 500 का ही बचा है, तो 100 का, 50 का, 20 का नोट या सिक्के है, मान लीजिए 1 रुपये, 2 रुपये के सिक्के, 5 के सिक्के, तो ये कॉइन्स है. ये क्या हमारे पास फिजिकल मनी. लेकिन अगर ऐसा मनी जिसको हम लोग टच ना कर सके, जो इंटेंजिबल, इन सब हम लोग टच कर सकते हैं ना, अपने पर्स में हम रख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, तो इंटेंजिबल फॉर्म में अगर कोई मनी है, इंटेंजिबल कैसे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई मनी है जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो वही होगा हमारा डिजिटल करेंसी. डिजिटल मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती, ऐसा नहीं कि आप इसकी एग्जिस्टेंस को मना कर दें. अब जैसे हवा है, हमें पता लगता है ना कमरे में हवा है या नहीं है, पंखे से हवा आ रही है नहीं आ रही, तो उस चीज़ को हम लोग टच नहीं कर सकते, बट हमें मालूम है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है. तो सेम ऐसे आपकी करेंसी के साथ है कि ये आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप इसको देख सकते हो, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, आपके पास कितना डिजिटल करेंसी है उसको आप अपने वॉलेट में चेक कर सकते हो, तो वो है आपका डिजिटल करेंसी. तो डिजिटल करेंसी को डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी भी बोल सकते हैं. इट इज़ ए टाइप ऑफ करेंसी अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म इंस्टेड ऑफ बैंक नोट या कॉइन्स. तो ये भी एक टाइप की करेंसी है, इससे भी आप चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं, और ये करेंसी आपको डिजिटल फॉर्म में मिलती है. द फंक्शनैलिटी ऑफ डिजिटल करेंसी सिमिलर टू फिजिकल करेंसी. तो जैसे आप फिजिकल करेंसी से कोई सामान खरीद सकते हो, तो सेम वैसे आप डिजिटल करेंसी से भी काम कर सकते हैं. बट कैन बी एक्सचेंज रिमोटली विद इंस्टेंट ट्रांजेक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड. और इसमें क्या है कि आप मान लीजिए रिमोटली कोई अराउंड द वर्ल्ड, मतलब इंडिया से किसी दूसरे कोने में कोई सामान मंगा रहे भेजे, तो उस पर भी आप इसकी ट्रांसफर कर सकते हैं. सम एग्जांपल ऑफ डिजिटल करेंसी, इसका कोई एग्जांपल जैसे क्रिप्टो करेंसी, सबसे फेमस आपका यही है क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसीज, सेंट्रल बैंक करेंसी, तो ये सारे हमारा डिजिटल करेंसी का एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा. डिजिटल करेंसी में भी यूज टू बाय फिजिकल गुड्स. तो डिजिटल करेंसी भले ही इसको आप टच नहीं कर सकते, बट इनसे आप जो गुड्स और सर्विसेज है उनको खरीद सकते हैं, फिजिकल गुड्स और सर्विसेज. और कुछ केसेस में कुछ गुड्स या कमोडिटीज को रिस्ट्रिक्शंस रखा होगा कि हाँ इनसे आप डिजिटल करेंसी से इन चीजों को नहीं खरीद सकते, तो ऐसा भी इसमें हो सकता है. तो डिजिटल करेंसी एग्जैक्टली क्या है,
ये भी एक टाइप की करेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू की जाती है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपके बैंक नोट और कॉइन्स होते हैं। जैसे आप लोग बैंक नोट कॉइन से कुछ भी आप सामान खरीद सकते हैं, फिजिकल करेंसी जो फंक्शन करती है सेम वही काम आपका डिजिटल करेंसी करती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज टाइम फ्रेम टू इशू डुप्लीकेट डीडी। जैसे बैंकर्स चेक डीडी, कई बार कस्टमर मान लीजिए डीडी कहीं लेके जा रहा है, कहीं गुम हो गया, ठीक है, तो बैंक के पास आके बोलता है कि एक नया डीडी इशू कर दो। तो बैंक क्या करता है, क्या ऐसे किसी को नया डीडी इशू कर सकता है? नहीं, बैंक पहले उसे इनडेमनिटी बॉन्ड पे साइन करने को बोलता है। इनडेमनिटी बॉन्ड मतलब इन केस अगर मान लीजिए कोई उस डीडी को लेकर क्लेम करने आ गया, आपने तो एक नया डुप्लीकेट डीडी दे दिया और डुप्लीकेट डीडी के बिहाफ पे आपने उसको पेमेंट कर दी। अब मान लीजिए पुराना डीडी उसको मिल गया या उसके फैमिली मेंबर्स को मिल गया और पुराने डीडी को लेकर बैंक के पास आके बोलता है कि इसकी पेमेंट हमें कर दो, तो बैंक दो बार तो पेमेंट नहीं कर सकता ना, तो बैंक को जो है लॉस हो सकता है पुराने डीडी की वजह से। इसी वजह से बैंक कस्टमर से एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करने को बोलता है। इंडेमनिटी बॉन्ड मतलब फ्यूचर में अगर मान लीजिए कोई भी उस डीडी का क्लेम करने आया तो जो कस्टमर जो पैसा लेके गया वही उस पेमेंट को करेगा, वो होता है इंडेमनिटी बॉन्ड, ठीक है। वो बॉन्ड ऑन लेके कस्टमर का आधार, उसकी एक रिक्वेस्ट लेटर कि मेरा पुराना डीडी खो गया मुझे नया डीडी ला के दो, एक रिक्वेस्ट लेटर, उसका केवाईसी, ठीक है, और उससे इंडेमनिटी बॉन्ड लेके बैंक क्या कर सकता है, जो डुप्लीकेट डीडी है इशू कर सकता है। तो यहाँ पर टाइमिंग को लेके कितने टाइम में इशू कर सकते हो, तो आंसर क्या है आपका, फोर्टनाइट यानी 14 डेज, 2 वीक्स, 14 डेज बोल लीजिए या 2 वीक्स बोल लीजिए या फोर्टनाइट बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो टाइम क्या है, 14 डेज, ये बिल्कुल याद करना है। तो मैक्सिमम टाइम क्या है, अगर कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है डुप्लीकेट डीडी या बीसी के लिए, तो मैक्सिमम 14 डेज के अंदर अंदर आपको डुप्लीकेट डीडी इशू कर देना चाहिए। अगर नहीं इशू किया तो क्या होगा, तो बैंकों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लीजिए 1 लाख का डीडी है और जितना भी आप लेट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से जो फिक्स डिपॉजिट होता है ना एफडी, वो वाला इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा। वही लिखा है, डुप्लीकेट डीडी इन लियो ऑफ लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट कैन बी इशू सब्जेक्ट टू पेमेंट नॉट ऑलरेडी हैविंग बीन मेड। अगर आपने पेमेंट नहीं की उस डीडी की तो आप एक डुप्लीकेट डीडी इशू कर सकते हैं। एंड फर्निशिंग ऑफ इंडेमनिटी बाय परचेसर, तो जो पे है जो कस्टमर है उससे आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड लेना होगा। आरबीआई हैज एडवाइज दैट डुप्लीकेट डीडी टू बी इशूड विद इन अ फॉर्टनाइट, फॉर्टनाइट होता है 2 वीक्स। तो आरबीआई ने बोला है कि 2 वीक के अंदर अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर नया डीडी इशू करना है। फॉर द डिले बियॉन्ड दिस पीरियड, अगर 14 दिन से बैंक लेट कर रहा है, कस्टमर रिक्वेस्ट दी और इसे लेट कर रहा है, बैंक हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल टू एफ डी फिक्स डिपॉजिट। तो उतने ही मेच्योरिटी का जो एफ डी का रेट चल रहा है तो उसी टाइप का रेट के तौर पर बैंकों को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एज ए कंपनसेशन, जो डिले हुई है उसकी कंपनसेशन के तौर पर। और यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन एक नंबर का पूछा था, ठीक है। तो डुप्लीकेट डीडी का टाइम कितना है, 14 डेज। एक ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि गांव में जैसे लोग है ना अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें किसी के पास मान लीजिए पैसा है तो वो आपस में अपना पैसा जोड़ के एक दूसरे को लोन देने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है। नॉर्मली मेंबर इन ए ग्रुप, तो क्वेश्चन था कि मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम आपके 20 तक हो सकते हैं, 10 से 20 तक हो सकते हैं, और जो हिली एरियाज है, डिजर्ट ऐसे एरियाज है, तो वहां पे 5 मेंबर्स भी सफिशियंट है, ठीक है। मैक्सिमम के ऊपर था क्वेश्चन, तो 10 से 20 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। वही लिखा है कि नॉर्मली मेंबर्स इन ए ग्रुप शुड नॉट एग्जीड 20, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन बिकम मैंडेटरी कंपल्सरी। तो अगर 20 से ज्यादा मेंबर है किसी ग्रुप में तो आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो जाता है। जनरली अ सेल्फ हेल्प ग्रुप में कंसिस्ट ऑफ 10 to 20 पर्सन, तो जनरली आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 20 तक लोग दिखते हैं। तो आंसर्स क्या था, 20, 20 मैक्सिमम लोग हो सकते हैं। तो वट इज अ मैक्सिमम मेंबर, मतलब कितने मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो आपको ऑप्शन मिलेगा 10, 15, 20, 5, तो आंसर क्या रहेगा, 20, 20 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होगा तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और आपको मालूम होगा कि जो इसके मेंबर्स होते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन के होने चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे के होने चाहिए, और बहुत ही एक्सेप्शनल केस में अगर जरूरी होगा तो 20% या बहुत ज्यादा अगर हो सके तो मैक्सिमम 20% या एक्सेप्शनल केसेस में 30% तक के लोग जो है मार्जिनली अबव बिलो पॉवर्टी लाइन, तो थोड़ा सा जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बेटर लोग हैं वो इसके मेंबर्स मैक्सिमम 20 बन सकते हैं और एक्सेप्शन केस में 30 बन सकते हैं। तो उससे ज्यादा जो है लोग अबव पॉवर्टी लाइन के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन के होने चाहिए जनरली, बट किसी किसी केस में 20% या एक्सेप्शन बहुत ही एक्सेप्शन केस में 30% तक के लोग जो है मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन, थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन को जो क्रॉस कर रहे हैं वो लोग भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं। तो जनरली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें एग्जैक्टली किस तरह से होता है कि जैसे गांव के मान लीजिए 5 लोग हैं, काफी गरीब है, तो इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। इसमें मान लीजिए एक मेंबर इनका हो गया जो कि ठीक ठाक, मतलब थोड़ा सा अबव है, ठीक है, मार्जिनली मार्जिनली अबव है पॉवर्टी लाइन से, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया। अब ये ग्रुप क्या काम कर रहा है, ये ग्रुप आपस में एक दूसरे को लोन देने का काम कर रहा है, ठीक है। इस ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लोन देने का काम कर रहे हैं, और उस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। इनको जरूरत पड़ती है तो बैंकों से भी लोन ले सकते हैं, बैंक भी इनको लोन देंगे, बट कंडीशन क्या है कि पहले आपस में इनको एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है लोन की फॉर्म में।
एक क्वेश्चन आपका टारगेट को लेके था कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या टारगेट है आपका प्रायोरिटी सेक्टर के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर अगर बात की, ये जो परसेंट है ना 40%, 40%, 75%, तो ये आपका परसेंट काफी इंपॉर्टेंट, तो इसी परसेंट के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है या स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका क्या कंट्रीब्यूशन होते हैं, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर के तहत उनको कितना लोन देना। मान लीजिए अगर 100 रुपये का लोन दे रहा है कोई बैंक, तो उसमें से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको 75% का पैसा जो है प्रायोरिटी सेक्टर के तहत देना होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, HDFC, तो ये जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है इनका 40% की अगर ये 100 रुपये का लोन दे रहे हैं तो उसमें से 40 रुपये का लोन इनको देना होता है प्रायोरिटी सेक्टर के तहत। अब प्रायोरिटी सेक्टर एक अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रायोरिटी सेक्टर की वीडियो आपको जरूर देख ली क्योंकि 2-3 नंबर का आप इस टॉपिक में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर, तो नया प्रायोरिटी सेक्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप लोग जरूर देखिए, काफी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 30-40 मिनट का वीडियो है, उसको देखना, 3-4 नंबर आपके उसी टॉपिक में से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था हम उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब उनका टारगेट क्या है प्रायोरिटी सेक्टर का। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का है 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इनका है 75%, RRB का है 75%, फॉरन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, ठीक है, तो उनका 40% है, और 40% में से ये लोग 32% तक क्या कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए दे सकते हैं, बाकी का 8% नॉर्मल प्रायोरिटी सेक्टर के तहत दे सकते हैं। ठीक है, और जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है इसमें आपका RRB स्मॉल फाइनेंस नहीं आएगा क्योंकि उनका तो अलग से हिसाब है ना, या फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस है तो उनको 40% देना है। ठीक है, तो 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और इनका ऐसा कुछ नहीं, जैसे आपका फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांच है वो तो 32% एक्सपोर्ट के लिए दे सकते हैं ना, इनका ऐसा कुछ नहीं, इनका जो नॉर्मल टारगेट है उस हिसाब से काम करता है। अभी नॉर्मल टारगेट क्या है तो आपको उसके लिए पूरा प्रायोरिटी सेक्टर का वीडियो देखना होगा, जिससे मैंने ये टेबल पूरा डिटेल में समझा आपको। ठीक है, 30-40 मिनट का वीडियो है न्यू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नाम से, उसको आप लोग जरूर देख के जाना। तो क्वेश्चन क्या था कि शेड्यूल कमर्शियल स्मॉल फाइनेंस बैंक का और शेड्यूल कमर्शियल बैंक का क्या परसेंटेज है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का है 40%, स्मॉल फाइनेंस बैंक का है 75%, RRB का भी इतना ही है 75%। 75% किसका, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, तो जो भी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है उसका 75% है। ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है तो उनका 40%, 40 में से 32 वो एक्सपोर्ट को दे सकते हैं, बाकी का 8% नॉर्मल प्रायोरिटी सेक्टर को दे सकते हैं, और डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस है उनका 40% रहता है। एक क्वेश्चन आपका इसके ऊपर था, व्हाट इज NBFC MFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और MFI का फुल फॉर्म होता है आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो इसका क्या मतलब हुआ NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो देखिए NBFC MFI इज डिफाइंड एज नॉन बैंकिंग, NBFC भी दो अलग अलग टाइप की होती है, एक होती है जो जनता से डिपॉजिट ले सकती है, एक होती है जो नहीं ले सकती। तो एक कौन से वाले टाइप की NBFC है जो कि जनता से डिपॉजिट नहीं ले सकती, जिसको हम बोलते हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। ठीक है, और ये क्या होगी, ये जिसकी मिनिमम जो जो नेट ऑन फंड है वो कम से कम 5 करोड़ होना चाहिए, अगर वो नॉर्थ ईस्ट इस तरह के एरिया में तो वहां पे उसका 2 करोड़ तक का मिनिमम नेट ऑन फंड होना चाहिए। तो ये वो वाली NBFC होती है और ये लोन देती है माइक्रो फाइनेंस पर्पज के लिए। माइक्रो फाइनेंस होता क्या वो देख लेते हैं, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड स्मॉल लोन एंड अदर फाइनेंशियल टू पुअर, तो जो गरीब लोग हैं जो कि छोटे आपके जिनकी ज्यादा इनकम नहीं है उनको जो लोन दिया जाता है 3 लाख रुपए तक का, तो उसी को बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस लोन किसको दिया जाता है, जो गरीब है, जो पुअर, जो लो हाउस होल्ड इनकम वाले जो लोग होते हैं उनको लोन देना, 3 लाख तक का लोन दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है माइक्रो फाइनेंस लोन। इट इज डिजाइन टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ पुअर, तो ये किस लिए बनाया गया NBFC MFI, इसको इसीलिए बनाया गया ताकि जो गरीब या लो फैमिली इनकम के जो लोग हैं वो अपनी गरीबी से बाहर आ सके, ठीक है, और उनके इनकम लेवल को बढ़ाया जाए, उनकी जो स्टैंडर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड उसको इंप्रूव किया जाए, इसी पर्पज के लिए NBFC MFI को स्टैब्लिश किया गया है। माइक्रो क्रेडिट इन इंडिया, माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटे अमाउंट का जो लोन दिया जाता है वो अलग अलग चैनल मतलब अलग अलग तरीकों से किया जाता है, जैसे आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, RRBs हो गए, ये डायरेक्टली या तो खुद भी देते हैं या इनके BCs होते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके तहत लोन देने का काम करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने भी थोड़ी देर पहले देखा ना, जिसमें 10 से 20 मेंबर्स है, ये आपस में भी लोन देते हैं और बैंक भी इनको लोन के थ्रू मदद करता है, तो उनके तहत भी बैंक लोन दे सकता है, या फिर बैंक कॉपरेटिव मतलब कॉपरेटिव बैंकों के तहत भी लोन दे सकता है, या NBFCs या ऐसे NBFCs जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू माइक्रो क्रेडिट दिया जाता है, तो उतने सारे चैनल्स में से NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी एक चैनल होता है जिसके थ्रू गरीब लोगों को 3 लाख रुपए तक का माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है।
फिर बोला ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना कंसेप्ट है, अभी 10 साल ही हुए उसको, लास्ट डिकेड में जो है 9 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, 9 NBFCs MFI को जो है लाइसेंस दिया गया था टू स्टार्ट अ यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, कि वो चाहे तो यूनिवर्सल या स्मॉल फाइनेंस बैंक इस्टेब्लिश करे जो कि माइक्रो फाइनेंस लोन देने का काम करे। बिसाइड वन NBFCs हैज मर्ज विद कमर्शियल बैंक, इसी में से एक NBFC तो कमर्शियल बैंक के साथ मर्ज भी कर लिया है। द शेयर ऑफ NBFC माइक्रो फाइनेंस इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर स्टैंड्स एज लिटल, वैसे अगर हम बात करें मान लीजिए अगर 100 रुपये का लोन दिया गया माइक्रो फाइनेंस, उसमें से NBFC माइक्रो फाइनेंस ने 30 रुपये तक का ही लोन दिया, तो शेयर बहुत ज़्यादा इनका नहीं है। इन्होंने 2020 सितंबर का डेटा दिया कि जो लोन पोर्टफोलियो था माइक्रो फाइनेंस का वो था 2.27 लाख करोड़, तो माइक्रो फाइनेंस के लिए 2,27,000 2.27 लाख करोड़ का लोन दिया गया था, इसमें से सिर्फ 30% लोन ही NBFC MFI के द्वारा दिया गया था। तो ये डेटा आपको ज़्यादा याद रखने का वैसे जरूरत नहीं है, ये क्या होते हैं बस वो मालूम होना चाहिए। इनको स्टैब्लिश किया जाता है, इनको लाइसेंस दिया जाता है किस पर्पज़ के लिए, कि ये माइक्रो फाइनेंस लोन देने का काम करें। बैंक अलग अलग तरीके से माइक्रो फाइनेंस लोन देता है, जैसे खुद भी दे सकता है RRB के थ्रू, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, या बैंक अपना BC बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बोल सकता है। तो इतने सारे तरीके, उन्हीं में से कॉरपोरेटिव बैंक NBFCs ये सारे हैं, और उन्हीं में से NBFC MFI भी एक तरीका है जिसके थ्रू बैंक माइक्रो फाइनेंस लोन दे सकता है। 3 लाख तक का जो लोन है उसको माइक्रो फाइनेंस लोन बोला जाता है, और ये गरीब और लो हाउस होल्ड इनकम को दिया जाता है। यहाँ पर उन्होंने डेटा दिया लास्ट में कि सितंबर 2020 में माइक्रो फाइनेंस लोन जो था सिर्फ NBFC के द्वारा जो दिया था वो सिर्फ 30% था, मतलब अगर 100 रुपये का लोन दिया तो इन्होंने सिर्फ 30 रुपये का लोन दिया था माइक्रो सेक्टर को, ठीक है, गरीब लोगों को 30 रुपये तक का ही लोन इनके द्वारा दिया गया था। एक क्वेश्चन आपका सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर था, कि ये जो सेक्शन 131 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये जो बैंक है बैंक को कलेक्टिंग बैंक को किस किस वे में प्रोटेक्ट करता है, तो चेक चेक की जो बैंक कलेक्शन करता था तो उसमें कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो चेक कलेक्शन के लिए आपका सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो ये एक्ट किस बैंक को प्रोटेक्शन देता है, किस पर्पज़ के लिए, जो बैंक चेक की कलेक्शन करता है उस पर्पज़ के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस नोट ये सब नहीं था, चेक की कलेक्शन के लिए आपका जो बैंक, अगर बैंक ने गुड फेथ में काम किया है, सही तरह से काम किया है और इंटीग्रिटी के साथ ऑनेस्टी के साथ काम किया और बैंकों की कोई गलती नहीं है, तो इस सेक्शन के तहत बैंकों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कब, जब उसने चेक को कलेक्ट किया, ठीक है। तो ये इसका आपका हो गया, इसके साथ ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF आपको टू हैंड्स ऐप में मिल जाएगी फ्री में, वो आप लोगों को अवेल उसको आप फ्री में अवेल कर सकते हैं टू हैंड्स ऐप को डाउनलोड करके। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।